हाय, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एक दिन मैं कैफे में चिल मार रहा था और मेरे फोन में नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। क्या हुआ डेस्क? हाँ, कुछ भी तो नहीं, मुझे दो मिनट देना। भाई केवीएस पे वीडियो डाल। केवीएस जिंदाबाद। केवीएस केवीएस। भाई तू केवीएस पे ऐसा कैसे बोल सकता है? भाई मैं होता तो ना सहता केवीएस पे ऐसा। मातर केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये तुम्हें इंडिया के कोने कोने में मिल जाएगा। इस स्कूल का यूनिफॉर्म तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा। और ये रोज पहन के मैं जाता था। राजधानी एक्सप्रेस की किचन टीम का कैप्टन लगता था मैं। और शायद बात तो ये कि आज तक किसी ने भी किसी भी चीज में मुझे कैप्टन नहीं बनाया है। एंड ये तो चलो तो भी ठीक है, लेकिन अगर तुम केवी स्कूल में पढ़ते हो तो आर्मी पब्लिक स्कूल वाले बच्चों से दूर ही रहना। एंड अगर तुम आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो तो केवी स्कूल वालों से दूर ही रहना, क्योंकि दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है कि कौन बेस्ट है। तो अकेले में मत मिलना। अंकल 5 का कच्चा मैंगो बाइट देना। ओए वो देख केवी का स्टूडेंट। चलो फिर। मुझे तुम्हारे केवी स्कूल्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अभी तक जिन भी केवी स्कूल्स में मैं गया हूँ ना, उधर पे 3-4 कुत्ते रहते थे। तो जब भी मैं पानी भरने के लिए बाहर निकलता था, ये कुत्ते मुझे घेर लेते थे। वो देखो हड्डी। लाइक सीरियसली, मैंने एक बार देखा कि 4 कुत्ते एक बच्चे को घेर के खड़े, और मैंने मेरा रास्ता बदल लिया। हाँ, मैं नहीं चाहता यार कि मुझे 4 कुत्ते घसीड के ले जाए। एंड फिर आते हैं केवीएस के कंप्यूटर वाले। भाई ऐसा लगता है शाओलिन सा है। लाइक सही में ये दिखते बड़े शांत है, लेकिन मारते बहुत खतरनाक है। एक बार इनसे बचने के लिए मुझे नाच के दिखाना पड़ा था। एंड नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने कितना गंदा नाचा था। एंड हाँ, केवी के टीचर्स, ये भाई ये तुम्हारा सिलेबस एक बार में कंप्लीट करा देंगे। एक बार में क्लास में आएंगे, बोलेंगे बेटा फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन ये मैंने करा दिया है, बाकी होमवर्क। सर लेकिन होमवर्क तो पूरा चैप्टर हो गया। चलो इतना भी मैं सह लेता, लेकिन 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 अब टीचर्स तुम्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे कि तुम क्या क्या स्टोरीज डालते हो। एक तो आपका बेटा है नालायक, और फिर इंस्टा पे स्टोरी डालता है 24 आवर्स स्लीप। सर लेकिन वो तो बस मीम था। एंड केवी में ना लड़का लड़की साथ नहीं दिख सकते, क्योंकि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, और अगर दिख गए। वैसे मेरे केवी में तो संस्कृत मैम सबको पकड़ती थी, तुम्हारे स्कूल में कौन सा टीचर पकड़ता था? और केवी के मैथ्स टीचर पता नहीं क्यों दुश्मनी हमसे मोल लेते हैं। और हमारी मैथ्स वाली 3 गाइड लेके आती थी, इतनी मोटी, भाई हथियार से कम नहीं, किसी के ऊपर फेंक दे तो वो बंदा मर जाए। अब इनका कुछ समझ में नहीं आता था तो फिर कोचिंग जानी पड़ती थी। और ये मैथ्स वालों को टेक्निकल चीजें पता नहीं क्यों नहीं आती। मैं यूट्यूब करता हूँ, ये मेरे पेरेंट्स को बोल रही है आपका बेटा ट्रेडिंग करता है। क्या ट्रेडिंग? एंड जस्ट टेल मी वन थिंग, तुमने ये चीज़ हमेशा नोटिस की होगी कि कबूतर दिखते हैं हमें केवी स्कूल में। लाइक मैंने केवी स्कूल काफ़ी सारे चेंज किए, एंड हर केवी स्कूल में मुझे कबूतर दिखते हैं। ये 2 कबूतर मिलके पता नहीं कुछ ऐसा करते कि हम बच्चे इनकी तरफ देखने लगते हैं, इवन हमारी क्लास की मैम भी। हे जैक, ये इंसान हमें ऐसे क्यों देख रहे, कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि हम ही एलियंस है? तो यार तुम कमेंट में बताओ कि तुम्हारे स्कूल में तुमने ऐसे कबूतर देखे कि नहीं। एंड फिर केवी का कम्युनिटी सॉन्ग, ओ भाई। एंड अगर ये कम्युनिटी सॉन्ग तुम्हारा क्लास नहीं गाता है तो फिर तुमसे 10 बार गवाया जाएगा। तो हाँ, वीडियो बस इतना ही था। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। एंड भाई सारे केवी वाले, अपने सारे केवी वाले दोस्तों को शेयर करो अपने ग्रुप में, क्योंकि यार याद आती है केवी की बातें। एंड अगर तुम अभी भी केवी में हो तो भाई इंजॉय करो, शेयर करो अपने केवी वाले दोस्तों के साथ, कमेंट में बताओ तुम्हारा केवी एक्सपीरियंस। एंड मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक। एंड एड्रो माइंड को डाउनलोड करना मत भूलना, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा।